काव्या कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरी बहन। काश माँ भी देख पाती काव्या को। भले दोनों अपने रिश्ते से अनजान है, लेकिन माँ का इतना हक तो बनता है। मैं माँ को वीडियो कॉल करता हूँ। बहुत अच्छी साड़ी भेजी है सृष्टि ने। इसे असली साड़ियां तो अपने जमशेदपुर में ही मिलती है, अब से उसी से मंगवा लिया करूंगी। राजवीर का वीडियो कॉल, ऐसे मुझे वीडियो कॉल करने से मना करता पर खुद ही करता। हाँ, हर बार आप मुझे वीडियो कॉल करते हो, आज मैंने आपको वीडियो कॉल कर दिया क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ही प्यारी सी लड़की के रोके पर आया। आपको बताया था ना काव्या, आपको देखना है? दिखा? एक सेकंड। ये देखिए, ये जो सेंटर में खड़ी है, जिसके मांग में टीका है, वो ऐश्वर्या की बहन जिसका रोका है, मिस्टर करण लूथरा की बेटी, वही है काव्या। खूबसूरत है ना? माँ, माँ आप हो? राजवीर भाई यहाँ आइए ना। अभी आया। क्यों बदमाश, क्यों हमेशा डैड को दांत खिलवाती रहती है? मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। डैडू प्रिंस है ना, तो आप प्रिंसेस हो, प्रिंसेस। ओह, देखा, मैंने आपको पकड़ लिया। अब तो आपको सोना पड़ेगा, यहाँ पे बैठो। एक सेकेंड, थैंक यू। रोका इन सब के साथ, इसे खत्म करने के लिए तो ये पूरी बॉटल खत्म करनी पड़ेगी। हाँ, अब इस रोके को तो मैं चार चार लगा दूंगा। वो मॉम, आई एम रियली सॉरी। वो सॉरी क्यों बोल रहे बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात है? सॉरी की कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके। मॉम आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? क्यों, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तेरी एज है एंजॉय करने की, तुझे एंजॉय करना चाहिए, छोटी सी तो लाइफ है। और अभी ना तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि काम के बोझ के तले दब जाए। मेरे को तुझे वर्किंग मशीन नहीं बनाना है, उसमें अभी बहुत टाइम है। अभी तू अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर। मॉम यू आर द बेस्ट, आई लव यू टू। चलें फिर। यस, लेट्स गो। बड़ी दादी, आप ठीक हैं? हाँ पुत्र, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। आपके चेहरे पर ये उदासी, कुछ तो बात है, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं? क्या बताऊँ पुत्र, जब मैं तुझे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे तू गलत लगा था।
अच्छा नहीं लगा था। मैं गलत थी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी परवरिश कितनी अच्छी हुई है पुत्र, कितने जिम्मेदार हो, कितने समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। बड़ी दादी, आप जो ये तारीफ कर रही है ना, मुझे पता नहीं कि मैं इस तारीफ का हकदार हूँ भी या नहीं। मैं सिर्फ तेरी तारीफ नहीं कर रही, मैं तेरे माता पिता की भी तारीफ कर रही हूँ पुत्र, उनकी परवरिश की तारीफ कर रही हूँ। तेरी माँ की अच्छी और सच्ची होगी जिसने तुझे अच्छी परवरिश दी। तुझे पता मेरा शौर्य है ना, उसकी माँ ने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी, और एक बच्चा तो डिजर्व करता है ना अच्छी परवरिश अपने माता पिता से, लेकिन उसकी परवरिश अच्छी नहीं होगी। बहुत दुख होता है मुझे। बड़ी दादी, मेरी बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी शायद, लेकिन काव्या की माँ भी तो वही है ना। फिर आप देखिए, काव्या कितनी संस्कारी है, कितनी अच्छी है। नहीं, काव्या की ये माँ नहीं है, उसकी असली माँ कोई और है। और काव्या ने 5 साल उसकी असली माँ के साथ बिताए हैं। उसकी ना संस्कारों की जो बुनियाद है ना, बहुत अच्छी है, इसलिए तो इतनी प्यारी है, कितनी सच्ची है, भोली है। मैं उसकी माँ को बहुत मिस करती हूँ। पता नहीं, ऐसे लगता है उसे यहाँ होना चाहिए। अगर वो यहाँ होती ना पुत्र, तो सब अलग होता, हम सब कितने खुश होते। काव्या, बड़ी दादी, बड़ी माँ, सब माँ को बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं माँ से। इनका दर्द देखा नहीं जाता। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आप लाइए, ये मुझे दीजिए, मैं पकड़ता हूँ। दीजिए। नमस्ते जी। राधे राधे, अच्छा हुआ आप आ गई। अब रोके की रस्म शुरू करते हैं। सैंडी यार, आई होप मैं टाइम पे तो आया। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ। ये ले, वेलकम ड्रिंक, पानी है। बीप्स, आई होप आई एम नॉट लेट। नॉट एट ऑल, वेलकम टू द पार्टी। फिनिश इट। रस्म का मुहूर्त का समय हो गया है, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। बैठ। अगुन की चुनरी लाई। अब इस अगुन की चुनरी के लिए बधू का भाई आ गया है। आजा बेटा। जी आइए। इस अगुन की चुनरी को बधू का भाई वर और बधू के सर पर उड़ाएगा।
मैं भी हेल्प कर देता हूँ। राजवीर काव्य को भी बहुत अच्छा लगता है। वो सब कर रहा है जो एक भाई को करना चाहिए। भाई का हर एक काम, हर एक फर्ज निभा रहा है और मैं निभाने भी दे रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये सब करते देख मुझे भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि मेरी काव्य को अच्छा लग रहा है। पढ़ाई नो, शौर्य को बहुत गुस्सा आ रहा होगा। कोई नहीं, वक्त के साथ धीरे धीरे समझने लगेगा कि रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं होते, रिश्ते निभाने भी पड़ते हैं। अब टीका के लिए आप आगे आ गए। दोनों के बीच में प्यार बना रहे इसलिए आधा आधा खिला रही हूँ। ओके नेकलेस देना। काव्या, ये हमारी तरफ से शगुन, इसी के चक्कर में मैं लेट हो गई, इसलिए के मंदिर गई थी ताकि माता रानी का आशीर्वाद मिले। बस बस खुश रहो। अब इस शगुन की चुनरी को माता रानी के दरबार में रखवा दीजिए। मैं रख देता हूं। गिरीश,
मैं हेल्प करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, रहने दीजिए, मैं करता हूँ ना। गिरीश नो स्ट्रेस, मैं ये कर लूंगा। मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूँ, मुझे ये करके बहुत अच्छा लग रहा है। और वरुण ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई मीन काव्या के लिए अच्छा लड़का है। हाँ वरुण सर सच में अच्छे हैं। शौर्य जो भी बोलना है बोल दे, ऐसे रास्ता मत रोक, आज दिन बहुत अच्छा है, जाने दे। राजवीर यू नो व्हाट, मेरी बहन केडी ना बिल्कुल मेरी तरह नहीं, शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन। वो हमारे ड्राइवर को भी भैया बोलती है, ग्रोसरी स्टोर वाले को भी भैया बोलती है, और फनी बात ये है कि तुझे भी भाई बोलती है। दिल पे मत ले, जैसे वो लोग अपने आप को केडी का भाई नहीं मानते, तू क्यों मानने लगा? हाँ वाह, तो ये भाई पजेसिव है, देख के अच्छा लगा, होना भी चाहिए। अजीब आदमी है यार, तुझे इतना बोल रहा हूँ, इतना सुना रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा क्या, या फिर तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा? मुझे लगता है शौर्य तू नहीं समझ रहा, या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। पता है मुझे क्या लगता है, किसी के कहने से रिश्ते बनते नहीं है, ना ही उसके तोड़ने से रिश्ते टूट जाते हैं। और हाँ, काव्या बुलाती होगी सबको भाई भैया, लेकिन वो तो काव्या को अपनी बहन नहीं मानते ना। मैं मानता हूँ, मानता हूँ, मैं काव्या को अपनी बहन मानता हूँ। चलो अब इतना अच्छा ओकेजन है, डांस तो बनता है, सवाल ये है सॉन्ग कौन सा बजाया जाए, रोमांटिक कौन सा वाला रॉक? अरे इसमें पूछना क्या है, ऑब्वियसली रोमांटिक सॉन्ग। हाँ भाई, दो प्यार करने वालों का रोका हुआ है तो कोई रोमांटिक सॉन्ग ही बनता है ना, क्यों भाई? चलो एक और ओपिनियन लेते हैं। राजवीर कम ये बताओ कौन सा सॉन्ग बजाना चाहिए इन लोगों के लिए, मतलब रॉक बजाऊं या रोमांटिक बजाऊं, बताओ ना। चलो तुम बताओ। रोमांटिक। Romantic. Rock any music day. is better than अरे anything. रोका है ये, कोई कॉन्सर्ट थोड़ी ना हुआ। मैंने और वरुण ने ना ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि कौन से डांस परफॉर्मेंस करेंगे, तो मॉम ये काव्या कितनी प्रीता जैसी है ना। वो कैसे पुत्र, आपने देखा नहीं, राजवीर और शौर्य के बीच में बहस होने वाली थी, लेकिन काव्या ने कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया। Exactly like Preeta. Babes, don't mind पर रुद्रास पे तेरा ग्रिप धीरे धीरे लूज हो रहा है, ये सब तेरे कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। नहीं, नहीं जा सकते, मैं जाने भी नहीं दूंगी। मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अभी मेरा फोकस कहीं और है। एक बार Preeta मेरी लाइफ से आउट हो जाए ना, फिर देखना इन सब का मैं क्या हाल करती हूँ। Okay, here up, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? हमारे couple of the night, Kavya और वरुण ने एक बहुत प्यारी performance prepare की है, so let's see what they have got. And while we have a seat, music. पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छुड़ाई दरबार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छुड़ाई दरबार मेरा ओ मखना। बातें हों
सुबह सी रातें हूँ, जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून, तू ही राह मेरी तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। छोड़ा ही घर बार मेरा हो मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा हो मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा हो मखना वे मखना, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा हो मखना। छोड़ा ही घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा मेरा, ये पागल सा लड़का ठीक है ना? कौन? वरुण। ये क्या सवाल हुआ? मतलब क्या कहना क्या चाहता है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़का अच्छा है ना, क्योंकि अगर इसने मेरी बेटी को इतना सा भी हर्ट किया ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसको इतना हर्ट करूंगा ना कि इसके साथ पुश्तें याद रखेंगे, इसके हाथ पैर मुंह सब तोड़ दूंगा मैं। क्या क्या तोड़ देगा? हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं इसके, और मैं सच कह रहा हूँ डैड। डैड इसमें हंसने वाली कौन सी बात? सब देख रहे हैं डैड, इधर आओ मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। एक बहुत ही पॉजिटिव बाप जिंदा हो गया अचानक से। उससे कहता है कि अगर मेरी काव्या को वरुण ने इतना सा भी हर्ट किया ना, तो ये उसकी टांगे तोड़ देगा। How cute, भाई। Don't worry, अंकल। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपको मेरी टांगे तोड़ने की जरूरत पड़े। I promise, मैं काव्या को कभी हर्ट नहीं करूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। लेकिन आप लोग इसको बोल दीजिए कि ये मुझे ना पीटे। पापा ये रॉन्ग है, आप और इतने पोजेसिव। मैं छोटा बच्चा, मैं लिटिल बेबी जॉन। देखो बेटा, ये प्यार प्यार तो ठीक है, लेकिन कभी भी तुझे ऐसा लगे ना कि तू इतनी सी भी हर्ट हुई है, तो सीधा भाग के तुम मेरे पास में आओगे। उसके आगे चीजों को कैसे हैंडल करना है वो मैं जानता हूँ। ओके मिस्टर हैंडसम। देख के तो लग रहा है काव्या से बहुत प्यार करते हैं। चलो अच्छा है, किसी बच्चे से तो प्यार करते हैं।